गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। विश यू अ वेरी हैप्पी ईद। मे अल्लाह ब्रिंग यू एंड योर फैमिली हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। होप दैट यू आर गाइडेड बाय योर फेथ इन द अलमाइटी एंड शाइन इन हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी ईद। और आज देखिए हमारा ये स्पेशल मेन्यू ईद का, हमने बनाए हैं सेवैया की खीर और गुलाब जामुन। तो ये चल रही है गुलाब जामुन की तैयारियाँ। और देखिए अभी हमने इसमें पानी बॉईल करने के लिए रखा है, शुगर सिरप के प्रिपरेशन की तैयारी। और इसमें 750 ग्राम हमने शुगर डाला है। और ये शुगर सिरप की तैयारी चल रही है। यहाँ हम गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर रहे हैं और बाद में उसे हम शुगर सिरप में डाल देंगे। और ये जो शुगर सिरप है उसे कंटिन्यूसली आपको स्टियर करना है ताकि ये जो शुगर है वो उसमें ईजिली डिज़ोल्व हो जाए। और देखिए हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड। और अब ये तैयारी है सेवैया की खीर की, जो आज के ईद की स्पेशल रेसिपी है। आज का हमारा ये स्पेशल डिश स्पेशली ईद के लिए हम बना रहे हैं। ये देखिए सेवैया की खीर बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुकी है। तो आज हमने दो स्वीट डिशेस बनाए हैं। और अब थोड़ी साफ़ सफाई की बारी आती है मेरे रूम की। तो आज देखिए घर पे कुछ सामान निकाला हुआ है साफ़ सफाई के लिए, आप देख सकते हैं। ये मेरा रूम है एक्चुअली, और ये अभी क्योंकि 1 जून से ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू होने वाली है तो पुराने किताबों को निकाल कर नए किताबों को उसकी जगह रखना है, और वही तैयारी यहाँ पर चल रही है। इस तरह से मैं मेरे नीचे के ड्रॉवर्स को साफ कर रही हूँ। और ये पुरानी किताबें हैं जो मैं छान रही हूँ, कचरा निकाला है उसको मैं साफ कर रही हूँ। सभी कचरे को एक थैली में भर कर उसे बाहर रखूँगी और इस तरह मेरा रूम जो है वो क्लीन हो जाएगा। आप तो फ्रेंड्स, इस तरह मेरा रूम साफ़ करते करते मुझे 4:30 बज गए हैं। और अब ये मेरे रूम का लुक देखिए आफ्टर क्लीनिंग। ये बेडशीट भी मैंने आज धोकर डाली है और अभी इसे वापस से लगाई है। और आज मैंने नीचे के 4 ड्रॉवर्स जो है जहाँ पे मैं बुक्स रखती हूँ उसे क्लीन किया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। इस तरह देखिए ये स्कूल के बुक्स और बैग भी नीचे रखी हुई है। बैग के नीचे सारे बुक्स को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक और पाउच, उसमें सब स्केच पेंस, पेंस और साथ ही स्कूल की बैग भी यहीं पर रखी है। ये 2nd ड्रॉवर है, यहाँ पर भी मैंने कुछ सामान है जो स्कूल का है और कुछ आर्ट एंड डेकोरेशन का सामान है, वो सब कुछ यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया हुआ है। और ये एक एक्स्ट्रा बैग, कुछ स्टोरी बुक्स भी यहीं पर रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह मैंने आज मेरे रूम का क्लीनिंग किया है।
तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। इस तरह से आज सेवैया की खीर बनाकर मैंने घर पर ही ईद सेलिब्रेट किया है। सेलिब्रेट इन द सेंस कुछ ज़्यादा नहीं, बट मिठाई बनाई है, क्योंकि बाहर से तो मिठाई मंगा नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ घर की साफ़ सफाई करना, ये तो अब हर दिन कुछ ना कुछ साफ़ सफाई तो निकलती रहती है, क्योंकि घर के घर ही रहना है, तो आप कब तक डिपेंडेंट रहोगे, आपको साफ़ सफाई तो शुरू रखनी ही है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए। मुझे बहुत कम लाइक्स दिख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आज का ये ब्लॉग खत्म एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।